let us start the journey ahead to Batal. काफी ठंड है यहाँ पे इस वक्त, 2 या 3 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे होगा। अब हम मेन रोड पे मिल चुके हैं, ये भी पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे ही है। रोड एकदम बेहतरीन बोलूँगा मैं इनको एक बाइकर के लिए, अगर आप एडवेंचर करने आ रहे हैं तो ऐसे रोड आपको और कहीं मिलेंगे नहीं। वो सामने रहा कुंजुमला, दैट इज कुंजुमला। यहाँ से छोटा सा लग रहा है। ला क्या होता है बेसिकली? पास। और पास क्या होता है? जब भी दो पहाड़ों के बीच में कोई गैप होता है तो उसे जो रास्ता बनता है उसको पास बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो ऊंचे पहाड़, दोनों साइड में दो ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में एक गैप है, तो इस गैप से एक छोटा सा रास्ता निकाल रखा है, उसी को हम पास बोलते हैं। तो एक पहाड़ इस साइड है, एक पहाड़ उस साइड है और बीच में एक गैप बना हुआ है, उसी को हम पास बोलते हैं। कारगिल के पास एक पास है जिसका नाम है हेमोटिंग ला। तो वो भी बिल्कुल आइडियल पास है। अगर आपको पास की डेफिनेशन समझ नहीं है तो आप उसको देख सकते हो। एकदम एक यू कर्व का पहाड़ है जिसके बीच में से एक रास्ता निकला हुआ है, तो उसको हेमोटिंग ला बोलते हैं। और ये एकदम कच्चा रोड जो नीचे जा रहा है और बहुत ही एडवेंचरस राइड है। दिस इज़ द बेस्ट राइड आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। और ये बादल एकदम नीचे आ चुके हैं, अभी बारिश का सा माहौल बन रहा है पर बारिश होगी नहीं यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ रेन शेडो एरिया, तो बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे, और जब होती है तो धमाकेदार ही होती है। यहाँ पे बारिश कम होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। पंद्रह हज़ार फीट पे था कुंजुमला और वहाँ पे मैक्सिमम आधा घंटा या फिर 15 मिनट रुकना ही रिकमेंडेड है, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा रुकोगे तो शायद आपको हेडेक शुरू हो जाए, अगर आपकी बॉडी अडेप्टेड नहीं है। अगर अडेप्ट हो भी चुकी है, एक्लोमेटाइज हो भी चुकी है तब भी, जैसे खरदुंगला भी 18,000 फीट पर, इससे 3,000 फीट ऊपर है खरदुंगला, वहाँ पर भी इट इज़ रिकमेंडेड मैक्सिमम स्टे ऑफ 11.5 आवर। उससे ज़्यादा रुकोगे तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा या फिर कुछ ऐसी नौसिया टाइप हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट्स में एटमॉस्फेयर बहुत रेरिफाइड होता है, बहुत पतली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और जब ऑक्सीजन शरीर में कम जाती है तो दिमाग ढंग से काम करना बंद कर सकता है, और सर दर्द वगैरह की बेस कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सर दर्द वगैरह आपको इन हाइट्स में आके होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक क्रोसिन लो और अपना ऑल्टीट्यूड लूज़ करो, एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन। एक दवाई भी यहाँ मिलती है जिसका नाम होता है डाइमोक्स, DIMOX। वो हाई ऑल्टी में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको खाते हैं लोग, बट मेरे हिसाब से बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए कोई भी दवाई खाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मुझे किसी ने लोकल घरेलू नुस्खा बताया था कि यहाँ पे अपनी जेब में लहसुन रखो और लहसुन मुँह में चबाते रहो तो आपको उसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तो खैर हमें इन हाइट्स की आदत ही हो गई है, कई बार आ चुके हैं तो अभी दिक्कत नहीं आती। एम्बुलेंस, वाओ। चल अगर आपको लगता है तो जेब में लहसुन रखो और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े अपने मुंह में डाल के चबाते रहो उनको, तो आपकी बॉडी थोड़ी अडेप्ट होती रहेगी धीरे धीरे इस एटमोसफेयर के साथ में। तो डेंजर रोड बोल सकते हैं इसको हम, डेंजर रोड, डेंजर नाला भी है कहीं, वो आता है ले के रूट में, डेंजर नाला, वैसे ही डेंजर रोड। तो सामने ग्लेशियर के और पास आ गए हम, और ग्लेशियर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पे कोई गेट हमें देखने को मिला है, चंद्रताल यहाँ से राइट और काजा यहाँ से, मतलब मनाली यहाँ से लेफ्ट, एंड दिस इज अ रोड प्रोजेक्ट दीपक का, बीआरओ ने बनाया। सामने एक बादल का पहाड़ और ये रोड जाती चंद्रताल को, और हम जा रहे हैं चाचा के ढाबे में। नहीं नहीं, इट्स ऑल फाइन, थैंक यू। एक फ़ोटो यहाँ से लेंगे मस्त, आप देख सकते हैं कि बी आर ओ इज स्टिल ऑन द जॉब मेंटेनिंग द रोड है। आई थिंक ये बी आर ओ का नहीं है, ये दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज़
द फाइबर केबल जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट फाइबर केबल बीइंग लेड, और शीघ्रतम यहाँ पे भी आपको फोन कनेक्टिविटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मस्त रोड एंड मस्त रोड, मस्त भी और मस्त भी है भाई, तो आना ज़रूर यहाँ पे और मस्ती का मज़ा उठाना। कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ये रोड, ये है मजबूत इरादों वालों के लिए। ड्यू पियो क्योंकि डर के आगे ही जीत है, तो ड्यू हमने पी नहीं है फिर भी डर पे काबू कर लिया हमने, हाथ इतने मोटे ग्लव्स में, हाथ अंदर ठंडे हो चुके हैं मेरे। दिस खड्डा इज़ बेसिकली फॉर द केबल्स विच आर बीइंग लेड। हमने पूरे रोड में देखा है, एक सुंदो के पहले से भी शुरू हो गए थे और अभी तक पूरे रोड में साथ साथ ही बिछ रही है केबल्स, तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे फोन आने की संभावना है। और बहुत तेज़ हवा चलती हो रही, कान ठंडे हो गए, एक नाक ठंडा हो गया मेरा। ओ आओ ब्रिज के क्रॉस, तो वी हैव रीच्ड जहाँ पे हमें आना था। दिस इज़ चाचा चाची का ढाबा, और एक ब्रिज क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में मुझे बताया था कि चाचा चाची हमें आएंगे और रिसीव करेंगे, बट वो ऐसा होगा नहीं कुछ। तो चाचा चाची तो अपने ढाबे में बैठ के सबको खाना खिला रहे होंगे, और हम यहाँ पे आएंगे, ब्रिज क्रॉस करेंगे और चाचा चाची से बोलेंगे कि हमें रात को सिर ढकने की जगह दे दीजिए चाचा चाची। और ये ख़तरनाक एक ब्रिज, वन व्हीकल एट अ टाइम, हैवी व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। थोड़ा बच के चलना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चा होने का काफी। कहाँ रहेगी बाइकर भाई अपने? चाचा चाची चंद्रताल ढाबा, पहले रहने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद ही बाकी जो करना होगा करेंगे। चाचा जी और इन्हीं का ढाबा था जब रुक रहे, और हम अभी है कहाँ पे? बातल में। और ऐसे चलते हैं क्या? अंदर आ जाओ, इसको हवा नहीं होगा। अच्छा, और बाथरूम पीछे? बाथरूम पीछे होगा, इसमें रास्ता ही। साढ़े आठ नौ बजे हवा बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा, और ये बाथरूम है, लाइट आएगा इसमें? लाइट इलेक्ट्रिसिटी आएगा? आएगा हाँ, थोड़ा हल्का सा होगा तो जनरेटर चालू कर देगा। अभी थोड़ा हवा, साढ़े आठ नौ बजे हवा बिल्कुल बंद हो जाएगा।